हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसलार क्रिएशन। आज आपको ये बहुत ही सुंदर सा नई डिजाइन का थाल पोस बनाना सिखाऊंगी। डिजाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से नहीं जुड़ी हैं, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, ताकि आने वाले हमारे जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। ऊन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पर जा करके आप देख सकती हैं। क्रोशिया 1.2 mm बहन, इस थाल पोस को आप जितना बड़ा बुनना चाहोगी बुन सकती हो, वीडियो में हमने समझाया है। पहले लगाइए इस तरह से गांठ, फिर 6 चैन 1 2 3 4 5 6 जोड़ना है 1 चैन से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ, 3 चैन 1 2 3 फंदा लेना है, इस छेद में डबल क्रोशिया बुनना है। डबल क्रोशिया इस तरह से 2 से फंदा निकालना है, फिर 2 से ये जो 3 की चैन बुनी है इसे भी जोड़ लेना है, 1 2 3 4 इसी तरह से टोटल 24 डबल क्रोशिया बुन करके फिर दिखाती हूँ। इस छेद में टोटल 24 डबल क्रोशिया बुन ली है, जो पहले 3 की चैन बुनी थी, 1 2 3 थर्ड चैन से जोड़ देना है हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ, 3 चैन 1 2 3 ये हो गई 1 डबल क्रोशिया, फिर से सेम चैन 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन 2 डबल क्रोशिया हो गई। हर चैन में 2 डबल क्रोशिया बुनना है, 2 चैन 2 डबल क्रोशिया, 1 सेम चैन 2, 3 चैन 2 डबल क्रोशिया, 1 सेम चैन 2। इसी तरह से हर चैन में 2 डबल क्रोशिया बुन करके दिखाती हूँ। इस राउंड को कंप्लीट करके जो पहले 3 की चैन बुनी थी, 1 2 3 थर्ड चैन से जोड़ देना है हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ, 1 चैन बुन करके धागा कट कर देना है। अब बहन यहाँ से ध्यान से देखिए, अब बुनूंगी पिंक कलर की ऊन से। ये 3 की चैन है, 1 डबल क्रोशिया ऊपर से डालना है इस तरह से हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ, ये धागा पीछे की तरफ रखना है, 3 चैन बुनना है, 1 2 3 चैन, ये 1 डबल क्रोशिया हो गए ऊपर से। इसी तरह से ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसमें बुनना है ऊपर से, ये 1 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया इसमें बुनना है ऊपर से, 1 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया इसमें 1 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया इसमें 1 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया इसमें 1 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया इसमें 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए, 1 चैन बुनना है, 1 चैन बुन करके फिर इसी तरह से यहाँ से 8 तक, यहाँ से 1 ऊपर से, 2 3 4 5 6 7 8 8 हो जाने के बाद 1 चैन बुनना है फिर यहाँ से 8 तक। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस राउंड को कंप्लीट करके लास्ट में 1 चैन बुन करके 1 2 3 थर्ड चैन से जोड़ देना है हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ, 8 डबल क्रोशिया है, स्टार्टिंग में 1 डबल क्रोशिया छोड़नी है और लास्ट में 1 डबल क्रोशिया छोड़नी है, 6 डबल क्रोशिया बचेंगी। इस डबल क्रोशिया में आना है इस तरह से, 3 चैन 1 2 3 चैन, ये 1 डबल क्रोशिया हो गई, इसमें बुनना है ऊपर से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और ये
सिक्स डबल क्रोशिया, लास्ट में वन डबल क्रोशिया छूट गई। वन चैन बुनना है, ये जो वन की चैन है इसमें बुनना है टू डबल क्रोशिया, वन सेम चैन टू, वन चैन बुन करके फंदा लेना है, फिर इसी तरह से स्टार्टिंग की वन डबल क्रोशिया छोड़ करके यहाँ से बुनना है वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, लास्टिंग वन डबल क्रोशिया छूट गई। फिर वन चैन बुन करके फंदा लेना है, इसमें बुनना है टू डबल क्रोशिया, फिर वन चैन, फिर स्टार्टिंग की वन डबल क्रोशिया और लास्ट की वन डबल क्रोशिया छोड़ करके बीच में सिक्स डबल क्रोशिया बुनना है। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस राउंड को कंप्लीट करके लास्ट में वन चैन बुन करके वन टू थ्री थर्ड चैन से जोड़ देना है हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ। सिक्स डबल क्रोशिया है, वन डबल क्रोशिया स्टार्टिंग में छोड़नी है, वन डबल क्रोशिया लास्ट में छोड़नी है, तो बीच में बचेंगी फोर डबल क्रोशिया। इस डबल क्रोशिया में आना है इस तरह से वन टू थ्री चैन, ये वन डबल क्रोशिया हो गई, टू डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, फोर डबल क्रोशिया, लास्ट डबल क्रोशिया ये छूट गई। वन चैन, ये जो वन की चैन का गैप है इसमें बुनना है टू डबल क्रोशिया, वन सेम चैन टू, वन चैन लेना है, जो वन चैन का गैप है इसमें बुनना है टू डबल क्रोशिया, वन सेम चैन टू, वन चैन बुन करके फिर से इसी तरह से स्टार्टिंग की वन डबल क्रोशिया लास्ट की वन डबल क्रोशिया छूट जाएगी, बीच में फोर डबल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर, स्टार्टिंग की और लास्ट की छूट गई। वन चैन बुन करके जो वन की चैन का गैप है इसमें टू डबल क्रोशिया, फिर वन चैन का गैप है इसमें टू डबल क्रोशिया, वन चैन, इसी तरह से राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। इस राउंड को कंप्लीट करके लास्ट में वन चैन बुन करके वन टू थ्री थर्ड चैन से जोड़ देना है हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ। फोर डबल क्रोशिया है, वन डबल क्रोशिया स्टार्टिंग में छोड़नी है, वन डबल क्रोशिया लास्ट में छोड़नी है, टू डबल क्रोशिया बचेंगी। इस डबल क्रोशिया में आना है इस तरह से थ्री चैन, वन टू थ्री चैन, ये वन डबल क्रोशिया हो गई, इसमें बुनना है वन डबल क्रोशिया, तो टू डबल क्रोशिया हो गई। वन चैन, जो वन चैन का गैप है इसमें बुनना है टू डबल क्रोशिया, वन सेम चैन टू, वन चैन, वन चैन का गैप है इसमें बुनना है टू डबल क्रोशिया, वन टू, वन चैन, वन चैन का गैप है इसमें बुनना है टू डबल क्रोशिया, वन टू, वन चैन बुन करके स्टार्टिंग में वन डबल क्रोशिया छोड़नी है, वन डबल क्रोशिया लास्ट में छोड़नी है, तो टू डबल क्रोशिया बुनना है, वन नेक्स्ट वन, टू डबल क्रोशिया हो गई, वन चैन। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। इस राउंड को कंप्लीट करके लास्ट में वन चैन बुन करके वन टू थ्री थर्ड चैन से जोड़ देना है आप सिंगल क्रोशिया के साथ। वन चैन बुन करके धागा कट कर देना है, क्रीम कलर की ऊन से बुनूंगी, जहाँ से हमने ये धागा कट किया है उसी चैन से जोड़ देना है हाफ सिंगल क्रोशिया के साथ। थ्री चैन, वन टू थ्री चैन, ये वन डबल क्रोशिया हो गई, वन चैन में टू चैन, वन डबल क्रोशिया, जो वन की चैन है टू डबल क्रोशिया, वन टू, फंदा लेना है, वन टू चैन है, वन चैन, वन डबल क्रोशिया, टू चैन, वन डबल क्रोशिया, वन चैन, टू डबल क्रोशिया, वन टू, टू चैन है, वन चैन, वन डबल क्रोशिया, टू चैन, वन डबल क्रोशिया, वन चैन है, टू डबल क्रोशिया, वन टू, टू चैन, वन चैन,
वन डबल क्रोशिया, टू चैन, वन डबल क्रोशिया, वन चैन, फिर टू डबल क्रोशिया, वन सेम चैन, टू, वन टू, वन चैन, वन डबल क्रोशिया, टू चैन, वन डबल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस राउंड को कंप्लीट करके जो हमने पहले थ्री की चैन बुनी थी, वन टू थ्री थर्ड चैन से जोड़ करके धागा हमने कट कर दिया है। अब बुनूंगी फिर से पिंक कलर की ऊन से। बहन डिजाइन सेम रहेगी, सिर्फ पत्तियाँ बढ़ेंगी। इसमें सिक्स पत्ती थी, इसमें ट्वेल्व पत्ती हो जाएंगी। जो वन डबल क्रोशिया है ऊपर से डबल क्रोशिया बुनना है इस तरह से, आप सिंगल क्रोशिया के साथ, फिर वन टू थ्री चैन, ये वन डबल क्रोशिया हो गए ऊपर से, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट, एट हो गए। फिर वन चैन बुनना है, फिर यहाँ से फिर एट तक। जब ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा बहन, इसके बाद इधर से जब डबल क्रोशिया एक वन छोड़ेंगी, डबल क्रोशिया इधर से छोड़ेंगी तो सिक्स बचेंगी, ये सिक्स वाला राउंड। उसके बाद फिर से इधर से एक छोड़ेंगी, इधर से छोड़ेंगी, ये फोर वाला राउंड। उसके बाद एक डबल क्रोशिया इधर से छूटी, एक डबल क्रोशिया इधर से छूटी, तो बीच में टू डबल क्रोशिया। तो सेम डिजाइन यही बुन लेती हूँ। फिर उसके बाद फिर 24 पत्ती हो जाएंगी, वाइट वाला राउंड बुन करके फिर जो पत्ती होंगी वो 24 बुन करके फिर दिखाती हूँ। पहले सिक्स पत्ती, ट्वेल्व पत्ती, 24 पत्ती। बहन अगर आप और बड़ा थाल पोस बुनना चाहती हैं तो अब जो आप राउंड बुनेंगी इसमें 24 ही पत्ती रखें, उसके बाद 48 पत्ती कर दें। तो इस तरह से इस थाल पोस को आप जितना बड़ा बुनना चाहोगी बुन सकती हो। फिर लास्ट में इसका बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर इस तरह से जोड़ दिया है आप सिंगल क्रोशिया के साथ, वन टू थ्री चैन डाल करके हाफ सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री चैन, हाफ सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री चैन, हाफ सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। थाल पोस हमने कंप्लीट कर लिया है। इसकी डिजाइन बहन आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से अगर नहीं जुड़ी है, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं ताकि आने वाले हमारे जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।